नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करने वाली दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड यानी कि क्यूमी, CUMI। क्यूमी के पास सबसे खास है इसकी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज से मेरा मतलब है मुरुगप्पा ग्रुप। मुरुगप्पा ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है और ये ग्रुप देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सन 1950 में मुरुगप्पा ग्रुप ने टाई अप किया USA की कार्बोरंडम कंपनी के साथ और UK की यूनिवर्सल ग्राइंडिंग लिमिटेड के साथ, और ये मिलकर बन गए कार्बोरंडम यूनिवर्सल ऑफ मद्रास। फिर सन 1954 में इन्होंने अपना नाम बदल कर रख दिया कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जिसको क्यूमी के भी नाम से जाना जाता है। कंपनी के चेयरमैन हैं MM मुरुगप्पन और इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। बात करें इनके प्रोडक्ट्स की तो कंपनी मेनली 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है: एब्रेसिव्स, इंडस्ट्रियल सिरेमिक्स, सुपर रिफ्रैक्टरीज और इलेक्ट्रो मिनरल्स। एब्रेसिव्स होते हैं रेत माल या सैंड पेपर, जिनको पेंट या पॉलिश करने से पहले चीज़ों पे घिसा जाता है ताकि उनका जंग निकाल सकें या साफ कर सकें। अब जैसे कि फर्नीचर या मेटल वर्क हो, इनको पॉलिश या पेंट करने से पहले इनमें एब्रेसिव्स का यूज़ होता है। ऑटो एंसिलरी की चीज़ों में पॉलिश करने के लिए इनका यूज़ होता है। और इनकी कई अलग अलग वराइटीज़ भी होती हैं जो मेटल शीट को काटने और ग्राइंड करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत एब्रेसिव्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होते हैं। कंपनी के पास 20,000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के एब्रेसिव्स हैं। अब इंडस्ट्रियल सिरामिक्स होती हैं टाइल्स। ये टाइल्स जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये कैसे भी टेम्परेचर में सस्टेनेबल होती हैं। और इनमें होती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ों से सेफ्टी के लिए होती हैं, और ये होती मजबूत हैं। बात करें सुपर रिफ्रैक्टरीज की तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी शेप चेंज नहीं होती, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर में इनको यूज़ किया जाए। ये फर्नेस और बॉयलर जैसी चीज़ों में काम आते हैं जहां एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे काम होता है। बात करें इलेक्ट्रो मिनरल्स की तो इलेक्ट्रो मिनरल्स एक तरह का बेसिक रॉ मटेरियल है जो एब्रेसिव्स और रिफ्रैक्टरीज को बनाने में यूज़ होता है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल ने लगातार नए नए इनोवेशंस किए, अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करा, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से और ग्लोबल लीडर के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइंस से ना केवल भारत में ही बल्कि विदेशी बाज़ारों में भी अपनी लीडरशिप को साबित किया। इनके प्रोडक्ट्स दुनिया में 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एशिया में भी इनका विस्तार है। कंपनी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करने वाली दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। इनकी माइनिंग, फ्यूजनिंग, विंड एंड हाइड्रो पावर स्टेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सभी फील्ड्स में परफेक्शन है। और इनकी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्वालिटी के लिए ISO 9001 मान्यता प्राप्त है। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की। ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 12,511 करोड़ रुपीज़, और इसका करंट मार्केट प्राइस है 708 रुपीज़। इनके पास एसेट्स हैं 2,688 करोड़ रुपीज़ के, और लायबिलिटीज़ हैं 557 करोड़ रुपीज़ के। इनके पास इतना कैश तो है कि ये जब मर्जी अपने डेब्ट को ख़त्म कर दें, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि वो 2 साल में डेब्ट फ्री हो जाएंगे। बुक वैल्यू की बात करें तो इनकी बुक वैल्यू है 105। बुक वैल्यू के हिसाब से तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, पर कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन तो ठीक ही लग रही है। कंपनी पिछले 5 साल से ईयरली 10% से ग्रो कर रही है। इसकी नेटवर्थ 2017 में 1,383 करोड़ से 2021 में 2,131 करोड़ रुपीज़ हो गई है। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स
इस पे 42% स्टेक रखते हैं, रिटेलर्स 24.75% और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 24.71%। पिछले 10 क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड्स इसमें अपने होल्डिंग्स को बढ़ाए जा रहे हैं और बड़े बड़े नाम कोटक म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एडलवाइसेस, क्वांट म्यूचुअल फंड, ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें अपना स्टेक रखा हुआ है। बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो इनका होल्ड है 7.74% और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल देखते हुए, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड वाइड नेटवर्क देखते हुए और ये समझते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यू है और क्लीन बैलेंस शीट, गुड फंडामेंटल्स और बिना किसी कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू के ये कंपनी मुझे तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, अपनी रिसर्च खुद करें। ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।